अरे मशहूर जो एमएलए हैं उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतंकी उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को एक बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो थाने में अलगाववाद फैलाया, वहां आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना, उनका जुलूस निकालना और गुंडाओं के मन में सरकार का और पुलिस का भय पैदा करना, ये हमारी ड्यूटी थी जिसको हमने छतरपुर में किया। आप अपने पत्र को जड़वाकर मड़वाकर रख लीजिए और हो सके तो राहुल अंकल के पास भी भेज दीजिए, तो वो भी पत्र को पढ़ लेंगे।